तो दोस्तों आज आप सबके लिए मैं फिर से एक ऑल इन दिस सॉन्ग के ऊपर स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों प्रीव्यू में आप सबने स्टेटस को तो देख ही लिया है किस तरीके से स्टेटस एडिटिंग हुआ है। अगर आप सबको भी कुछ इस तरीके से स्टेटस को एडिटिंग करना है, सिंपल इफेक्ट लगाकर, लाइटिंग इफेक्ट लगाकर, अपने फोटो को ऐड कर, इस वीडियो को आप सबको पूरे कंटिन्यू लास्ट तक देखना होगा। मैं 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं फ्रेंड्स। आप वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं हर बार की तरह आप सबको बता देता हूँ कि कुछ भी अगर मटेरियल वगैरह का आप सबको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्रोजेक्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप प्रोजेक्ट को भी इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सबको लार्ज मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा। अगर आपके पास पहले से है तो उसे आपको ओपन कर लेना होगा, और अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने पिन कर दिया, आप वहाँ से इजीली जो है इंस्टॉल जो है उसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं डेटा ऑन करके लार्ज मोशन एप्लीकेशन ओपन करके आप सबको बता देता हूँ। आप भी लार्ज मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, और आगे क्या प्रोसेस है मैं आप सबको समझा दूंगा। यहाँ पर थोड़ी देर लोड लेगा, उसके बाद आपका ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको इधर प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट दोनों को डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिए, उसके बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क जो है एंड फोटो इफेक्ट, आपको सॉन्ग बीट मार्क को सबसे पहले आपको ओपन करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एरोप्लेन मोड पर लगा देता हूँ, नहीं तो कॉल वगैरह आ सकता तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क को आपको सबसे पहले फर्स्ट ओपन कर लेना है, फर्स्ट तरफ आ जाना है। यहाँ पर इफेक्ट मैंने थोड़ा बहुत पहले से लगा के रखा है, आपको फर्स्ट तरफ आ जाना है। प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और आपको अपना फोटो ले लेना है, कोई सा भी आप फोटो यूज़ कर सकते हो। मैं यह फोटो ले लिया। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फील कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 3 नंबर पे क्लिक करके इसे थोड़ा आप जूम कर लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद आपको 1 नंबर पे क्लिक कर लेना होगा, इसे इस तरीके से अपने हिसाब से सेट कीजिए। ये लोगो जो है फ्रेंड इसे मैं छिपा रहा हूँ थोड़ा, इस प्रकार से आप ऐड जो है कर सकते हो। ओके, मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ आप सबको भी इस तरीके से इसे सेट करना होगा, यही फोटो अगर यूज़ कर रहे हो। ओके, अगर आपके पास आप कोई दूसरा फोटो यूज़ कर रहे हो तो अपने हिसाब से इसे सेट कीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले पूरे लास्ट तक आ जाना होगा, फोटो पे क्लिक करना होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, पूरे लास्ट तक लेयर आ जाएगा। फिर से आपको फर्स्ट तरफ आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और ये PNG आप सबको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ये इसको भी आपको ले लेना है, और इस प्रकार से आपको इसे सेट करना होगा नीचे तरफ। ओके, नीचे तरफ सेट करना होगा। उसके बाद आपको पूरे लास्ट तक आ जाना है, उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके इसका लेयर पूरे लास्ट तक कर देना है। उसके बाद आपको फोटो के राइट साइड इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना होगा, और इसे इस तरीके से नीचे कर देना होगा। कहाँ तक करना होगा, यहाँ पे सॉन्ग मिल जाएगा, सॉन्ग जो है आपको उसके ऊपर कर देना होगा। उसके बाद आपको ये जो PNG है, PNG को भी आपको इस तरीके से आपको यहाँ तक कर देना होगा। इस आपको सॉन्ग के आपका फोटो के ऊपर एक लेयर रहेगा, उसके ऊपर रख देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपका जैसा मैंने बताया था उस तरीके से स्टेटस आपको एडिटिंग करके बता दिया। तो यहाँ पे थोड़ा खाली काम बाकी है, यहाँ पे आपको अपना जो PNG ऐड किया यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपको लॉन्ग शेडो का इफेक्ट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे अल्फा थोड़ा आप डार्क कर लीजिएगा, अपने हिसाब से साइज आपको थोड़ा माइनस कर लेना होगा, कितना करना होगा अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। मैं यहाँ पे 13 या फिर 14 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ तक आपका हो चुका है, उसके बाद एक बार यहाँ से बैक चले जाइएगा, फोटो इफेक्ट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देंगे। सॉन्ग बीट मार्क पर आपको फिर से रिटर्न आ जाना है, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके इफेक्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है 3 डॉट पे क्लिक करके। तो देख सकते हो जैसा मैंने प्रीव्यू में आप सबको दिखाया था स्टेटस, उस तरीके से आप सबके लिए मतलब एडिटिंग करके बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं इस तरीके से आप सबके लिए वीडियो जो है लाता रहता हूँ। तो अभी आपको इसे सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ। इस एरो पे क्लिक करेंगे, वीडियो के राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।